दिल्ली में आज भी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, कई जगहों पर मध्यम बारिश के आसार। दिल्ली में लोहा के पुल के पास यमुना का जलस्तर 207.74 मीटर। हथनीकुंड बैराज से शुक्रवार रात 8 बजे छोड़ा गया 57,363 क्यूसेक पानी। यमुना के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं सरकार। दिल्ली में आपदा प्रभावित इलाके में ऑपरेशन में जुटी सेना। WHO बिल्डिंग के पास बांध के रेगुलेटर में भरा कीचड़, रेगुलेटर की मरम्मत में जुटी सेना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा ITO बैराज का पहला जाम हुआ गेट खोल दिया गया, जल्द ही पांचों गेट खोल दिए जाएंगे। केजरीवाल ने किया यमुना बैराज का निरीक्षण। दिल्ली में ITO बैराज के जाम हुए, बाकी गेट्स को खोलने के प्रयास जारी। पानी का बहाव तेज होने की वजह से आ रही दिक्कत। नेवी की एक टीम और भारतीय सेना के इंजीनियरिंग ऑपरेशन में जुटे। दिल्ली में बाढ़ पर मंत्री आतिशी का बयान, कहा दिल्ली में 4 दिन से नहीं हुई बारिश, फिर भी है यमुना में आई बाढ़, पंजाब और हरियाणा से ज्यादा पानी छोड़ने का लगाया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का बयान, ऐसे समय में सबको मिलकर करना चाहिए काम, नहीं होनी चाहिए राजनीति। दिल्ली वासी भरोसा रखें, हम सबको सुरक्षित करेंगे। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन पर DJB रेगुलेटर खराब, शहर की तरफ आ रहा यमुना का पानी, सुप्रीम कोर्ट परिसर तक जा सकता है पहुंचा यमुना का पानी। दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी भरा है यमुना का पानी। मठ बाजार और चंदगी राम अखाड़ा के पास कई कई फीट पानी। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में नजर आ रहा सैलाब। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में भरा यमुना का पानी, सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से तालाब जैसा तस्वीर। दिल्ली के राजघाट के पास उफान पर नजर आ रही यमुना नदी, राजघाट के पास यमुना का जलस्तर बढ़ा, नदी से सटे इलाके में अभी भी आई है बाढ़। बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए सामाजिक संस्थाएं भी आई आगे, बाढ़ में फंसे जानवरों को किया गया रेस्क्यू, लाल किला के पास रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली से सटे नोएडा के कई इलाकों में भी बाढ़, प्रशासन की तरफ से तैयार किया गया राहत शिविर, आपदा प्रभावितों की मदद के लिए कैंप भी तैयार। दिल्ली में आपदा प्रभावितों के लिए भेजी गई राहत सामग्री, BJP की तरफ से राहत सामग्री का ट्रक किया गया रवाना। दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में बाढ़ के पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत, खेलते समय गहरे पानी में चले गए थे बच्चे, पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बैराज से 3 दिशाओं में बराबर पानी छोड़ते को किसी को नुकसान नहीं होता। भाजपा सांसद गौतम गंभीर का केजरीवाल सरकार पर आरोप, कहा प्रचार के बजाय दिल्ली के विकास पर खर्च होती रकम, तो आज नहीं डूबती दिल्ली। दिल्ली के ITO के आसपास जलभराव की बड़ी वजह बना नाला, इसी नाले की वजह से रिंग रोड ITO इलाके में पानी भरा। दिल्ली ISBT के अंदर भी भरा हुआ है कई फीट पानी, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में बस अड्डे के अंदर नजर आ रहा पानी ही पानी, पानी में कई फीट डूबी हुई है बस। नोएडा के सेक्टर 135 के कई हिस्सों में जलभराव, ग्रीन ब्यूटी फार्म के आसपास भरा कई फीट पानी। दिल्ली के उस्मानपुर और सोनिया विहार में चला रेस्क्यू ऑपरेशन, अभी तक 900 से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई, बाढ़ में फंसे मवेशियों को भी बाहर निकाला गया। दिल्ली में राजघाट पर बाढ़ के बीच पिकनिक का मजा करते दिखे लोग, बाढ़ वाले इलाके को देखने के लिए आ रहे लोग परिवार के साथ पहुंचकर खींच रहे हैं फोटो। गाजियाबाद के अलीपुर गांव का बांध टूटने से पानी भरा, ट्रोनिका सिटी क्षेत्र तक पहुंचा पानी, कई कॉलोनीज में भी बाढ़ जैसे हालात। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने किया अलीपुर में टूटे बांध का निरीक्षण, हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया, लोगों को जल्द मदद पहुंचाने का भरोसा दिया। आपदा के बीच केंद्र सरकार की बड़ी राहत, बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए राहत राशि जारी, आपदा मोचन निधि से 180 करोड़ रुपए जारी। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने किया मनाली में बाढ़ प्रभावित आलू मैदान का निरीक्षण, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद, नड्डा बोले केंद्र सरकार कर रही हर संभव मदद। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, अब तक 75,000 पर्यटकों में से 67,000 का रेस्क्यू हुआ, बाकी लोगों को बचाने के लिए प्रयास जारी।
हिमाचल में बाढ़ और बारिश से सब्जियों की पैदावार पर असर। कुल्लू में किसानों के खेतों में लगाई गई सब्जियां खराब। मथुरा में खतरे के निशान की तरफ बढ़ रही यमुना का जलस्तर। मथुरा में यमुना में खतरे का निशान इस वक्त दिखा रहे 166 मीटर। नदी किनारे के इलाकों के लिए अलर्ट जारी। बागपत में भी तटबंध की मरम्मत का काम जारी। नदी का बहाव तेज होने की वजह से मरम्मत के काम में दिक्कत। तटबंध टूटने से इलाके में आई बाढ़। बागपत में श्रीराम मंदिर में पहुंचा बाढ़ का पानी। बाबा की समाधि और मूर्ति यमुना नदी के पानी में डूबे। मंदिर के ऊपर मंडराया खतरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावितों के बीच भी पहुंचे योगी आदित्यनाथ। राज शिविरों में जाकर की पीड़ितों से मुलाकात। राज शिविरों में बांटी राहत सामग्री। पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ ने किया बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा। प्रभावित लोगों से की मुलाकात। सरकारी इंतजामों को लेकर सरकार पर साधा निशाना। पंजाब के फिरोजपुर में सतलुज से लगते इलाके में पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान। प्रभावित इलाके में जाकर की लोगों से मुलाकात। पंजाब में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह ने किया संगरूर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण। सरकार से बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देने की मांग की। सरकारी इंतजामों को नाकाफी बताया। असम के गुवाहाटी में बारिश से बिगड़े हालात। जोरहाट क्षेत्र में नेशनल हाईवे 27 पर हुआ जलभराव। पानी भरने की वजह से राहगीर परेशान। पटना में मूसलाधार बारिश की वजह से शहर में जगह जगह जलभराव। विधानसभा परिसर में भी भरा बारिश का पानी। तालाब जैसा नजर आने लगा विधानसभा परिसर। हरियाणा के सिरसा में बाढ़ प्रभावित इलाके में मदद कर रही है सामाजिक संस्थाएं। सिरसा, फतेहाबाद, मूनक, रखनौकरी और समेत कई इलाकों में बाढ़ से हालात खराब। सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किया कुरुक्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। ट्रैक्टर पर सवार होकर निरीक्षण के लिए पहुंचे। हरिद्वार जिले के मैदानी इलाके लक्सर में एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। बाढ़ में फंसे दो ग्रामीणों को रेस्क्यू किया गया। बाढ़ आने की वजह से फंस गए थे ग्रामीण। हरिद्वार में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए भेजी जा रही खाद्य सामग्री। हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजी गई खाद्य सामग्री। बाढ़ आने से लोगों के खाने पीने के चीजों के लिए उत्तराखंड के विकास नगर में ट्यूड़ी मोटर मार्ग पर सड़क का कई मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त। भूस्खलन की वजह से धस गई सड़क। मार्ग बंद होने से लोगों को करना पड़ रहा है 150 किलोमीटर अतिरिक्त सफर। हरिद्वार के लक्सर में बाढ़ की वजह से सबसे बुरे हालात। खेतों में पानी भर जाने से फसल खराब होने की कगार पर, तो सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही में परेशानी। उत्तरकाशी में भूस्खलन की वजह से कई मकानों को खतरा। जमीन धंसने से 3 मकानों पर मंडराया। धराशायी होने का खतरा। पेयजल लाइनों को भी नुकसान हुआ। फ्रांस से यूएई के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। आज सुबह 10:45 पर अबू धाबी पहुंचेंगे मोदी। दोपहर 2:10 पर पीएम का औपचारिक स्वागत होगा। यूएई में डेलीगेशन लेवल की बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 4:45 पर दिल्ली के लिए करेंगे प्रस्थान। भारत यूएई की व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार हो रही मजबूत। प्रधानमंत्री की यात्रा ऊर्जा, शिक्षा, खाद्य, स्वास्थ्य, सुरक्षा, फिटनेस, रक्षा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में अहम साबित होगी। प्रधानमंत्री मोदी की आज की यूएई के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी, तो अबू धाबी के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति का जॉइंट स्टेटमेंट। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस का बताया दुनिया के लिए स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का प्रतीक। आतंकवाद के खिलाफ भारत और फ्रांस एक साथ। चांद के सफर पर निकला चंद्रयान 3। शुक्रवार को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तय समय के मुताबिक 2:35 पर हुई लॉन्चिंग। चंद्रयान 3 23 अगस्त के आसपास चंद्रमा की सतह पर कदम रखेगा। चांद पर लैंड करने का समय भारतीय समय अनुसार शाम 5:47 होगा। चंद्रयान 3 में सबसे विश्वसनीय रॉकेट LVM3 का इस्तेमाल। चांद के चारों ओर 41 दिन तक चक्कर लगाएगा चंद्रयान 3। इसके बाद ये चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। चंद्रयान की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो चीफ ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। लॉन्चर मॉड्यूल और चंद्रयान 3 के अलग होते ही कंट्रोल रूम में तालियां बजी।
अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे लैंडर और रोवर। चांद की सतह पर 14 दिन तक होगी स्टडी। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर तापमान, भूकंप जैसी जरूरी जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के लिए देश भर में लोगों ने पूजा पाठ किया। मुंबई के नागेश्वर मंदिर में हवन यज्ञ का कार्यक्रम हुआ। दिल्ली की मस्जिद में नमाज भी पढ़ी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस से ही दी वैज्ञानिकों को बधाई। कहा, भारत में अंतरिक्ष यात्रा का नया अध्याय जुड़ा है। ये है वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी दी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर बधाई। ओम बिरला ने चंद्रयान की लॉन्चिंग को बताया ऐतिहासिक। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग पर काशी में गंगा घाट पर की गई आरती। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर हुई विशेष आरती और पूजा। पार्टी कार्यकर्ता की मौत के विरोध में आज भी बिहार में बीजेपी मनाएगी काला दिवस। हर जिले में पार्टी नेता कार्यकर्ता धरना देंगे। गुरुवार को लाठीचार्ज में हुई थी विजय सिंह की मौत। विजय सिंह की मौत के लिए जांच के लिए बीजेपी की केंद्रीय जांच टीम आज पहुंचेगी पटना। 4 नेताओं की टीम पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी अपनी जांच रिपोर्ट। बिहार में एनडीए नेताओं ने पटना में राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से की मुलाकात। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज या सीबीआई से कराने की मांग। विधानसभा मार्च कराने वाले बीजेपी के 63 नेताओं पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का नाम एफआईआर में शामिल नहीं। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। सम्राट चौधरी बोले, पूरे बिहार में बीजेपी करेगी आंदोलन। केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर बोला हमला। राज्य में हो गई है जंगल राज की वापसी। सीएम नीतीश कुमार चलना चाहते हैं किंग जोंग उन के रास्ते पर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को मिला वित्त और योजना विभाग। कार्यभार संभालते ही अजीत पवार ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। अजीत पवार गुट के धनंजय मुंडे को कृषि, तो छगन भुजबल को मिला खाद्य मंत्रालय का प्रभार। दिलीप वलसे पाटिल बने सहकारिता मंत्री, तो हसन मुशरिफ को मिला चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभार। एनसीपी से बगावत के बाद पहली बार चाचा शरद पवार के घर पहुंचे अजीत पवार। चाची प्रतिभा पवार का हालचाल जाना। ब्रिज कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटी है प्रतिभा पवार। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट को लेकर के बीजेपी पर हमला किया। वीडियो में भारत की अखंडता के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कांग्रेस की आपत्ति जताने के बाद यह वीडियो डिलीट किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दिया कानून का हवाला। कहा, देश के नक्शे से खिलवाड़ करने पर 100 करोड़ का जुर्माना और 7 साल की सजा का प्रावधान। बीजेपी से कौन भुगतेगा सजा। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के साथ पार्टी नेताओं की आज मीटिंग। संसद के आगामी मॉनसून सेशन को लेकर ये चर्चा होगी। शाम 4:30 बजे 10 जनपद स्थित सोनिया गांधी के आवास पर ये बैठक। कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए चुनाव अभियान समिति का गठन किया। मधु गौड़ याक्षी को बनाया चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष। 17 पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति हुई। अगले सप्ताह कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी के गठन की हो सकती है घोषणा। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद हो सकता है कमेटी गठन का ऐलान। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दिया बड़ा बयान। कहा, लोग बोलते हैं कि हमारी लड़ाई मोदी के खिलाफ है, लेकिन ये लड़ाई मोदी के खिलाफ नहीं, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ताजा हालात पर चर्चा। बोले, जल्द ही राज्य का दौरा करेंगे अमित शाह। एमपी की पटवारी भर्ती परीक्षा पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने आरोप लगाए। कहा, सरकार ने मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में डाला। ग्वालियर में एक विधायक के कॉलेज से एक साथ 10 अभ्यर्थियों के टॉपर बनने से जुड़ा है पूरा मामला। एमपी कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने किया बड़ा ऐलान। कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई तो अभ्यर्थी निःशुल्क भरेंगे परीक्षा फॉर्म। पटवारी भर्ती को लेकर हाईकोर्ट की सिटिंग जज से जांच की मांग की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पटवारी भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की। कहा, 12 लाख बच्चों ने विश्वास करके फॉर्म भरा और आज वो ठगा महसूस कर रहे हैं। जो पास नहीं हो सकते थे वो मेरिट में आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ कैबिनेट फेरबदल को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दिया बयान। कहा, मोहन मरकाम पार्टी के मजे हुए नेता, पार्टी हाईकमान के निर्देशों का अच्छे से पालन करेंगे। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की सुरक्षा हटाने और दोबारा बहाल कराने को लेकर सियासत जोरों पर है। पार्टी ने बताया साजिश।
सुरक्षा बहाली, आजम की सियासी दबदबे का असर। हेट स्पीच के एक और मामले में आजम खां पर रामपुर स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा फैसला। 2019 में एक चुनावी सभा में दिया था भड़काऊ भाषण, चुनाव पर्यवेक्षक ने दर्ज कराया था मामला। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के आरोपियों की फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ी। तीनों आरोपियों को चार्जशीट दाखिल होने तक दी गई जानकारी, अब सेशन कोर्ट में चलेगा केस। शोपिया में मजदूरों पर हुए हमले के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी, राशन खरीदने गए मजदूरों पर आतंकवादियों ने बरसाई थी गोलियां। शोपिया हमले में घायल मजदूरों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। हमले में बिहार के सुपौल के 3, सहरसा के 1 मजदूर के घायल होने की खबर, सभी का श्रीनगर के अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के अलीगढ़ में एक कॉलेज में बिरयानी को लेकर विवाद हो गया, बिरयानी पर आपत्ति जताने पर समुदाय विशेष के युवक ने छात्र पर हमला बोला, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। टमाटर के बढ़ते दामों से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर, दिल्ली एनसीआर में सरकार बेच रही सस्ते रेट पर टमाटर, एनसीसीएफ के वैन पर 90 रुपए किलो मिलेगा टमाटर। मेरठ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, सीएम को अपने बीच पाकर कांवड़ियों का जोश हाई, कांवड़ियों ने भी सीएम का जोरदार स्वागत किया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।